हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको PSL से रिलेटेड तमाम अपडेट सबसे पहले मिलती रहें और पाकिस्तान क्रिकेट की तमाम अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये टेस्ट मैच 10 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट वापस आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 2002 में श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ था, जिसके बाद अब श्रीलंकन क्रिकेट टीम 2019 यानी 10 साल बाद श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में कोई टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आ रही है। टेस्ट मैच बुध के रोज़ शुरू होगा और 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहला टेस्ट मैच 9:15 पर शुरू होगा। बात करते हैं पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 के बारे में। तो पहले नंबर पर जो प्लेयर हैं वो हैं शान मसूद। जी हाँ दोस्तों, शान मसूद प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। शान मसूद का साथ देने के लिए पहले तो आबिद अली के नाम को जेरे को लाया जा रहा था, लेकिन अब दूसरे ओपनर जो होंगे वो हैं इमामुल हक। इमामुल हक को फिर मौका दिया जाएगा। इमामुल हक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं किया। इमामुल हक के बाद तीसरे नंबर पर अजहर अली खेलेंगे, हमारी टीम के कप्तान भी होंगे। और चौथे नंबर पर बाबर आजम खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम का चौथा नंबर होगा, ये तो कंफर्म है। और पांचवें नंबर पर असद शफीक होंगे। जी हाँ दोस्तों, असद शफीक पांचवें नंबर पर खेलते हुए दिखाई देंगे आपको इस टेस्ट मैच में। असद शफीक के बाद फवाद आलम को नहीं मौका दिया जाएगा। पहले जराइए ये बता रहे थे कि फवाद आलम को मौका दिया जाएगा, अगर अब हारिस सुहेल को मौका दिया जा रहा है फवाद आलम की जगह। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। तो उसके बाद मोहम्मद रिजवान होंगे, विकेट कीपिंग करते हुए हमें इस टेस्ट मैच में दिखाई देंगे। मोहम्मद रिजवान के बाद यासिर शाह होंगे। दोस्तों, आप यासिर शाह को बैटिंग ऑलराउंडर कहें या बॉलिंग, ये तो आपकी मर्जी है। यासिर शाह का नंबर है। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी आएंगे। जी हाँ दोस्तों, शाहीन शाह अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और बहुत सबसे ज़्यादा विकेटें मिली शाहीन शाह अफरीदी ने। शाहीन शाह अफरीदी के बाद मोहम्मद अब्बास। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अब्बास को प्लेइंग 11 का हिस्सा जरूर बनाया जाएगा। मोहम्मद अब्बास और शाहीन शाह अफरीदी के साथ नसीम शाह भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाएगी और हारिस सुहेल हो सकता है बीच में कुछ बॉलिंग कराएं। और 3 पेसर और 1 स्पिनर और हारिस सुहेल 1 ऑलराउंडर के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाएगी।